Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का message किसके लिए है, किस energy में है, किस तरह का है. ये एक short video होगी जो कि अब short नहीं रहती, बहुत long हो गई है. Timeless होगी, general होगी, collective होगी. अगर आप morning में देखेंगे आपके लिए guidance है, और अगर आप end of the day देखेंगे तो ये आपके लिए day reflection होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच होता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है. हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है. दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज. चले मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सजिटेरियस, टेम्परेंस. मैसेज ऑफ द डे, ओप्स ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए. मैसेज ऑफ द डे, द व्हील. All right. Bottom of the deck, Justice, Strength and Knight of Cups. All right. Good news. आपको कोई happiness, कोई surprise, कोई अच्छी बात, कुछ जो कि आपको पुरसुकून कर दे, आपको खुशी मिले. About a kid, बच्चे से मुतालिक, बच्चों में से कोई ख़बर, आपकी एज अ औलाद अपने पेरेंट के लिए, या आपके पेरेंट को जो है वो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ जो कि फैमिली से रिलेटेड होगी. आपको किसी की फैमिली के कोई एडिशन का या कोई गुड न्यूज़ का पता चलेगा, बट कोई कम्युनिकेशन आ रही है, आपका बच्चा आपसे कुछ कम्युनिकेट करेगा, या कोई खुशी की ख़बर आप तक कम्युनिकेट होगी, एंड आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी ये. समबडी इज़ कमिंग बैक, बैक से मुराद कह लें, या फिर ये कि कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल आएगा, कोई ऑफ़र आएगी, और कोई ऐसी ऑफ़र जो कि आपके सपोर्ट के लिए हो, कि आप इसको सपोर्ट करें, आप इस मामले को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके जो डिसीजंस होते हैं, आप जो फैसले करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं. किसी मैटर को आज आप जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसके अंदर इंसाफ करना है. कोई ऐसा मामला आपके सामने आएगा जिसके ऊपर आपको बात करनी है कि आप इसमें फेयरनेस करें, और या तो आपका कोई मैटर है जो कि फेयर डील होगा, आपको कोई टास्क असाइन किया जाएगा कि आप इस काम में पढ़ें और इसमें ज़रा फैसला करें, अदल करें. और दूसरा ये कि अदर देन दैट, अगर ये आपको नहीं करना होगा तो फिर आपकी ज़िंदगी का कोई मैटर है जिसको कोई सुन के समझ कर जो है ना इसको जो है वो सही करने की कोशिश करेगा, कहेगा कि नहीं ये आपके साथ बात अनफेयर हुई है, लेट मी हैंडल इट. तो जस्टिस है, इंसाफ की बात है, अदल की बात है. अब डिपेंड करता है कि आपके हाथों होता है या आपके लिए कोई करता है, बट सराउंडिंग में आपके कोई सूरत हाल ऐसी घूमेगी जिसमें आपको अदल करना होगा. और आप पे बिलीव करते हैं लोग, आप या तो किसी ऐसे मुज़ोर जानवर वाले इंसानियत की जो है ना, इंसान के ऊपर जो कि बड़ा हैवानों वाला उसका रवैया है, आप उसको कंट्रोल करेंगे, बिकॉज़ आप नर्स के एक ड्रेस में हैं, इन्फिनिटी का साइन है, आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, आप शायद ऐसी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, कर सकते हैं डील, और उसी की बेसिस पर आप तक ये बात आएगी. और कोई आपको बताएगा अपना मामला, छोटा सा, छोटी सी बात होगी, लेकिन इस इंसान के लिए बात बहुत बड़ी है कि एटलीस्ट आप इसमें इंटरवीन करें और आप जो हैं वो
बताएं इस मैटर को कि क्या मैटर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। नाउ लेट्स सी कि मैसेज ऑफ द डे रेगुलर क्या है, समथिंग रिलेटेड टू जस्टिस। आपने अपने ऊपर जिस जिन बातों की वजह से, जिन सूरत लोगों की वजह से, जिन सूरत हाल की वजह से आपने अपने आप को तकलीफ़ में रखा हुआ था, वो तकलीफ़ें जो दिल दुखाती थी, वो यादें जो दिल दुखाती थी, आप उसके ऊपर कंट्रोल पाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत दिनों से आपको बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आ रही होंगी, आपको रोना बहुत आता होगा, आपको लगता होगा कि एक मामला ख़त्म नहीं हो रहा कि दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता कि तीसरा शुरू हो जाता है। या तो आप एक थर्ड पार्टी फैक्टर हैं, खुद हैं, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी हमेशा इंसान नहीं होता। रिलेशनशिप में रहते हुए पेरेंट्स, फैमिली, आपकी फैमिली, उसकी फैमिली, फाइनेंस, करियर, जॉब, एक्सटर्नल फैक्टर, बच्चे, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी होती है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी थोड़े दिनों पहले, रिसेंट पास्ट में, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव और बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हैं, और उस पर आपने उस पर उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हुई थी। आप समझ नहीं आता था आपको कि आप अपने आप अपने ही ऊपर अपना ही कैसे जो है ना वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और कैसे अपना ख्याल रखें, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था। लेकिन ये फेज़ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तकलीफ़ वाला, दुख वाला, परेशानी वाला फेज़ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लक साइड। आपके किस्मत जो है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं, आपसे कोई निगोशिएट करेगा, कोई बात करेगा कि उसको ट्रैवलिंग करनी है तो उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अदरवाइज़ विद द सजिटेरियस कार्ड, कोई एक इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस भी मेंटेन करना चाह रहा है, प्रॉब्लम में है, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आई थिंक कि आप जो हैं वो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, बिकॉज रियलाइजेशन इसके फेस पर, इसके हेड पर नज़र आ रही है लाइट। और उसको ड्यूरिंग मेडिटेशन उसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप एक एंजेलिक पर्सनैलिटी हैं, और इस एंजेलिक पर्सनैलिटी होने की वजह से आप ट्रैवलिंग में, लक में और एक्सपीरियंस में एक अच्छा पर्सन साबित होंगे। तो आपके मैसेज ऑफ द डे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी थोड़े दिनों बाद होंगी, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि क्योंकि एक तो स्ट्रेट अवे तीन मेजर आर्कानाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि मैसेजेस आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इंसाफ करना, फेयर चलना, किस्मत का बदल जाना, तहम्मुल लेकर आना, पेशेंस लेकर आना। और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट इसलिए बदला है, बस कहीं ना कहीं यूनिवर्स नोज़ इट कि आप बहुत हर्ट हैं, आपको उन चीज़ों का भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो आपका खुद का किया हुआ नहीं है। आपके सामने हमेशा ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिसमें आपका इनपुट या आपका कसूर नहीं होता। आप हर किसी हद तक ही किसी को सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं, लेकिन अब ये सपोर्ट सिस्टम वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इन दी एंड आपको ही ये सब कुछ करना है, इन दी एंड आपको ही ये सब कुछ लेकर चलना है। तो इस तरह का कोई किसी का माइंडसेट होगा, और आप इस पेन से निकल चुके हैं, और आपने इस पेन के दौरान जो प्रोसेस अपने आप को ठीक करने का अपनाया, उसका रिवॉर्ड आपकी किस्मत के ऊपर नज़र आएगा। आपको अचानक से कोई ट्रैवलिंग ऑप्शन नज़र आएगा, कोई ट्रैवलिंग ऑफर नज़र आएगी, और लक आपकी साइड पर होगी। आप बुकिश नॉलेज में भी जाएंगे, आप विजडम ओरिएंटेड भी होंगे, आप चाहे आपके साथ कोई नेगेटिव ट्रेड्स ही क्यों ना हो, आप उनको भी हैंडल कर लेंगे। आप अपने साथ जुड़े हुए तमाम उन लोगों को भी पहचान लेंगे जो आपके आपके वेल विशर नहीं हैं, और ये कुछ आज ही नहीं होगा, ये कुछ दिनों का मैटर होगा। और विद द जस्टिस कार्ड, या तो डिवाइन आपके लिए खुद फैसला करेगी, अल्लाह ताला किसी ना किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेजेगा जो कि आपके किसी मामले के लिए आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा और इंसाफ करेगा, या फिर आपके सामने एक ऐसी सूरत हाल आएगी कि आप इस मामले में डिग डाउन, डीप डाउन इनसाइड आप इसको चेक करें, और आप इसमें फेयर डील करें कि आपको क्या लगता है कि क्या बात सही है और क्या बात सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी, सजिटेरियस, सजिटेरियस, फाइंड अ न्यू मीनिंग विद दिस ट्रैवलिंग, विद दिस लक साइड, विद दिस चेंज, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपके लिए एक नया डायमेंशन है कि जितना हर्ट होना था हर्ट हो गए, जितना तकलीफ़ में रहना था तकलीफ़ में रह लिए, नाउ फाइंड अ न्यू मीनिंग।
तो न्यू मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए ये हो सकता है सूरत हाल कुछ 2-2.5 महीने से चल रही हो, ये हो सकता है कोई सूरत हाल ऐसी हो जो कि आपको 2 महीने से पका रही हो, या फिर टोटली इस सूरत हाल को होते हुए 9 मंथ्स हो गए हों। कहीं कोई स्ट्रेटजी भी हो सकता है डिफाइन कर रहा हो कि आप मेरे लिए कुछ मुझे गाइड करें, मुझे इंसाफ दिलाएं कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से इस मामले को हैंडल करूं। फाइंडिंग अ न्यू मीनिंग, तो दैट मींस कि आपने मौजूदा ही सूरत हाल में से कोई नया मतलब निकालना है, कोई नए तरीके से इसका सलूशन सॉर्ट आउट करना है ताकि आपकी लाइफ में आसानी आए। तो हो सकता है ख़ुद ये कोई पर्सन हो जो स्ट्रगल कर रहा हो और ये ख़ुद इस वक्त ट्रैवलिंग फेज़ में है जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से नज़र आ रहा है, और ये भी अपसेट है, ये भी डिप्रेस है। यानी इस पूरी नरेशन को आप किसी और पे भी रख के से देख सकते हैं और आप अपने ऊपर भी रख के देख सकते हैं। आप खुद सजिटेरियस सोच सकते हैं, आप किसी सजिटेरियस से डील करेंगे, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 31, योर अप्रोच टू लाइफ इज एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिकलिटी। योर माइंड इज स्ट्रिंग विद क्रिएटिव आइडियाज एंड यू हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स टू मैनिफेस्ट देम टू लाइफ। लक की बात थी, तो आपकी जो अप्रोच है वो ब्लेंड है, यानी आप जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं वो ब्लेंड है ख्यालात का भी और अमलियात का भी, ठीक है ना। और आपका जहन मुस्तकिल नए आइडियाज़ की तरफ घूम रहा है मुस्तकिल, और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की वजह से इसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाह रहे हैं कि मैं कोई मेगा इवेंट अरेंज करूँ, तो वो मेगा इवेंट सोचना, उसका आइडिया आपके माइंड में आना और उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाना आपके लिए इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है, और उस डिसिप्लिन्ड लाइफ में होने की वजह से अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो बहुत आसानी से ऐड हो जाएगी। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी डिसिप्लिन के साथ रहना है क्योंकि आपकी अप्रोच जो है ना वो जज्बातियात पर नहीं है, आपकी अप्रोच प्रैक्टिकलिटी पर है और वो यही यही बात लिखी हुई है। तो आपकी अफर्मेशन में अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को और मज़ीद रिफ़ाइन करें तो आप कुछ चीज़ों को मिक्सअप और एडअप कर सकते हैं। तो आज की अफर्मेशन में आपके लिए सिंपली है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फेयर, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिसिप्लिन्ड। अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आइए, अगर है तो इन्हेंस कीजिए, नहीं है तो डेवलप कीजिए। वो चीज़ें, वो प्रोक्रेस्टिनेशन बेस्ड एक्टिविटीज जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है, आप 2-3 घंटे तक इंस्टा को स्क्रॉल करते रह जाते हैं और आपका बहुत सारा वक्त उसमें लग जाता है, कट देम ऑफ एंड बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।